ये बड़ी खबर रोहतक से आप तक पहुंचा रहे हैं। दलित पिछड़ा महासम्मेलन से जुड़ी एक खबर, सांसद राजकुमार सैनी के दलित पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजक है जय भगवान। महासम्मेलन के आयोजक जय भगवान को घर से निकाला, जाटों पर मारपीट और गाली गलौच का आरोप, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप, दलित पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजक के घर पर हमला। मिर्चपुर के बाद अब रोहतक में जाटों ने दलितों को निकालकर बाहर फेंक दिया। जाटों ने महिलाओं और छोटे मासूम बच्चों पर भी अत्याचार किया, जाटों ने जान से मारने की भी धमकी दी है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ ही सांसद राजकुमार सैनी को भी जान से मारेंगे, इसकी भी धमकी दी गई। दलित पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजक के घर पर हमला, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी के दलित पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजक हैं जय भगवान। महासम्मेलन के आयोजक जय भगवान को घर से निकाला गया, जाटों पर मारपीट और गाली गलौच का आरोप भी। पीड़ित ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, मिर्चपुर के बाद अब रोहतक में जाटों के दलित को निकालकर फेंका घर से बाहर। जाटों ने महिलाओं और छोटे मासूम बच्चों पर भी अत्याचार किया। इसी के साथ ही जाटों ने जान से मारने की धमकी दी और इसके साथ ही सांसद राजकुमार सैनी को भी जान से मारेंगे, ये भी धमकी दी है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह की दादागिरी जो प्रदेश के अंदर चल रही है जी, ये दर्शाती है कि बाकी के लोग अभी आजाद नहीं हुए। जो लोग आजाद हुए, जो लोग अंग्रेजों के पास में जो है ना अपने अपना वर्चस्व बनाए हुए थे जी, आज वो हमारे कमजोर तबके को दबा करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो परिस्थिति है प्रदेश के अंदर, ये बहुत नागुजार गुजरेगी। और जिन लोगों ने इस प्रदेश का माहौल इतना प्रदूषित कर दिया है कि बाकी के लोग खौफ ज्यादा है कि आखिर प्रदेश के प्लान किया जाए या प्रदेश में रहा जाए जी। अब ये परिस्थिति बन चुकी है कि जिस प्रकार से दुबल धन के प्रोग्राम को, आज रोहतक के प्रोग्राम को लेकर के लोगों ने उनका सामान फेंक दिया, तोड़फोड़ कर दी, उनको घर से निकालने का प्रयास किया गया जो लोग ऑर्गेनाइजर थे, ये बहुत दुखद है। नहीं, प्रोग्राम तो होगा लेकिन जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, धारा 144 के बाद वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं, सरकार को आपत्ति नहीं। लेकिन हम एक किसी की जयंती के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे आपत्ति है कि लोग हमें ये टेरर करके दबा करके रखना चाहते हैं कि जो हक तो हमारे लूटे ही लूटे। हम लोग खुली आजाद हवा में सांस भी ना ले सके, इस प्रकार का तांडव वहाँ उसके घर पे करके गए, सारा सामान फेंक के और उसको घर से निकालने का और जान से मारने की धमकियां दे करके गए हैं कि अगर आप प्रोग्राम कराते हैं। लेकिन मैं जाकर के देखूंगा अभी जिस प्रकार का तांडव वहाँ हुआ उसका प्रयास होगा दोबारा से।